हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास हमारी हो चुकी है, ठीक है, और आज हमारी रहेगी सेकंड क्लास। बच्चे ध्यान से समझना, बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। हरियाणा के अंदर सभी बच्चे है ना इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी। कोशिश करोगे समझ में? बिल्कुल आएगी भाई, कोशिश तो करो। आप कोशिश नहीं करते यार, ऐसे कैसे समझ में आएगा? कोशिश करोगे हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो हम एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, मैंने पीछे की कुछ बातें बताई थी, वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट और कोट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, उसके वो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर एक बेस होता है, एक आपकी हाइट होती है जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और एक होता है आपका हाइपोटेन्यूस कर्ण होता है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम यूज करते हैं। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोना होता है भुजा, और मित्रा मिट्री होती है आपकी, ठीक है, मापन। तो हम तीन भुजाओं का माप करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। हमने पढ़ा था कि हम किस प्रकार क्वाड्रेंट को समझते हैं। एक बार फिर से देखो, 0 से 90 डिग्री का जिक्र करें तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। 90 से 180 डिग्री के बीच आए ना बात, तो समझो वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 से और 270 के बीच में आ जाए भाई, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। और 270 से 360 के बीच में एंगल आ जाए, तो समझ लो वो आपका क्या है रे, वो आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। बात बनी कि नहीं बनी? एक बार फिर समझ लो, 0 से 90 डिग्री के बीच कौन सा क्वाड्रेंट है? अरे बोलो, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। जैसे मैं आपसे समझ लो, एक बार मैं आपसे कहूं कि 360 प्लस 10 डिग्री, तो आप बताइए कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? तो भाई यहां से आप घूमोगे 90, 180, 270 और 360, अब फिर घूम के आओगे ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना। तो इसलिए कहते हैं कि यदि 360 प्लस थीटा लिख देना तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई है ना। इस तरह यदि मैं आपसे कहूँ 270 प्लस थीटा, 270 के अंदर कुछ भी हमने ऐड कर दिया तो 270 यहाँ कंप्लीट होता है, और इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड कर दिया, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बातें क्यों पढ़ रहे हैं? आगे बातें आपको समझ में आएगी भाई, कोशिश करो, अरे पक्की आओगी भाई, ठीक है। देखो किस तरह आएगी, आ जाओ देखो। फिर आप ये बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो पहला क्वाड्रेंट है ना, उसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसलिए कह देते हैं ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव। जैसे हम कहें 10 45 पॉजिटिव रहेगा, कितना? 1। मैं कहूँ कि बताइए साइन 30, तो कहोगे पॉजिटिव 1/2। कोस 30 √3/2, कितना पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे भाई आपका साइन कौन रहे? सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसिकेंट, साइन का उल्टा कौन होता है? कोसिकेंट। ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे। समझेंगे क्यों रहेंगे, ठीक है। और यहाँ आएंगे ना हम, तो यहाँ आप टेन को लिख लो, टेन और कोट, ये जो दो हैं ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। और यहाँ आपके कोस और सिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे। एक बार फिर बोलो, फर्स्ट में कौन कौन पॉजिटिव? तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। मेरे भाई कोशिश करो, देखो बहुत जेन्युइन चीज करवाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे हम, आपको भी साथ साथ कोशिश करनी है। आपका एक नंबर ट्रिग्नोमेट्री से पक्का होना चाहिए, ठीक है। हम रेगुलर क्लासेज यूं ही अपलोड करते रहेंगे, आप रोजाना जो भी क्लास ले लेना उसको देख लिया करो, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। बातें समझ में आएंगी, ये पक्की बात है, ठीक है, पक्का समझ में आएगा। हो सकता है हमारी वीडियो क्लियर ना हो, आवाज क्लियर ना हो, लेकिन जो चीज समझ आएंगे ना वो क्लियर होगी, कोशिश करना पड़े, ठीक है। आ जाओ फिर एक बार, फर्स्ट में कौन कौन पॉजिटिव? सारे के सारे पॉजिटिव। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव? तो सेकंड के अंदर आपका साइन और साइन का उल्टा कौन होता है? कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में आपका थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कोस और सिकेंट। अब हम समझते हैं क्यों पॉजिटिव होते हैं, एक बार देखना आप, कोशिश करना। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। यदि यहाँ कोई भी ट्रेंगल बनेगी ना, कोई भी राइट एंगल ट्रेंगल हमने बना दी, तो आप बताओ ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड पॉजिटिव। ये बात तो सही है, आपको बहुत अच्छे से पता है,
ये साइड पॉजिटिव है और ये भी साइड पॉजिटिव है। और जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, आप इतना ही समझ लो, तो बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर है आपका, सॉरी बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। तो इसलिए ये जो साइड रहेगी ना ये पॉजिटिव रहेगी। और सुन लो बात ध्यान से, जो कर्ण है ना आपका ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे आप यहाँ आओ, चाहे आप यहाँ आओ, चाहे आप यहाँ आओ, हर जगह ही क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अरे बोलो, हर जगह ही क्या रहेगा, पॉजिटिव। बस इतना याद रखना, किसकी वजह से, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए, यहाँ तो आपको पता है, आप बस यहाँ समझ लो कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। तो देखो, साइन आपका होता है लंब बटा कर्ण, अरे बोलो एक बार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर आपका यहाँ देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या पॉजिटिव, हाँ जी बिल्कुल लिख दो, ये लिख दिया पॉजिटिव मैंने, अरे बोलो ये पॉजिटिव है, और क्या लिखा था मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस क्या रहेगा आपका, ये कर्ण क्या रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, अरे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। इसलिए आप थोड़ी सी ये कंसेप्ट याद रखोगे ना, तो आपको हमेशा ये बात भी याद रहेगी कि यहाँ कौन पॉजिटिव रहेगा और यहाँ कौन नेगेटिव रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ चलो कि कोस का मान बताइए, देखो कोस, तो कोस के लिए आप समझो, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब आधार देखो, आधार तो ये तो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव और कर्ण पॉजिटिव, तो नेगेटिव और भाग में पॉजिटिव, आपका एग्रीगेट क्या आएगा, नेगेटिव, इसलिए कोस यहाँ नेगेटिव होता है। इस तरह सारे के सारे नेगेटिव होंगे, आप चेक करके देख लेना, इसलिए सारे के सारे यहाँ नेगेटिव। मैं आपसे कहूँ टेन के बारे में भी बता दो जनाब, तो टेन देखो आप, टेन टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, अरे बोलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, तो यहाँ परपेंडिकुलर आपका, अरे बोलो क्या है, अरे बोलो भाई, परपेंडिकुलर मैं लिख देता हूँ, लंब अपॉन आधार, ठीक है, और लंब देखो ये रहा पॉजिटिव है, तो मैंने लिख दिया पॉजिटिव, और इसमें आधार देखो क्या है, नेगेटिव है, कुल मिलाकर क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। तो एक क्वाड्रेंट से आप समझ गए कि क्यों ये पॉजिटिव होते हैं, क्यों ये नेगेटिव होते हैं, कोई साइड पॉजिटिव होती है, कोई नेगेटिव होती है, इसीलिए है ना, जब हम रेशियो में लेते हैं तो कोई पॉजिटिव हो जाएगा, कोई नेगेटिव हो जाएगा। आप यहाँ चेक करके देख लेना आपका कोस क्या रहेगा, तो मैं करके दिखा देता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या रहेगा, कोस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, आधार बटा, अरे बोलो आधार बटा कर्ण होता है, और यहाँ आधार ये है पॉजिटिव है, ठीक है, और कर्ण ये रहा पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या आता है, पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू, और एक सिकेंट, सिकेंट को तो इसका उल्टा कर देंगे, वो तो पॉजिटिव ही रहना है, इसलिए कोस और सिकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। और यहाँ की बात करें तो साइन और कोसिकेंट उल्टा होता है ना, तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, यहाँ सारे पॉजिटिव, यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का लफड़ा आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है, क्या बोलो, अरे समझ में आई है बात, हाँ जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं हम, नेक्स्ट बात इस प्रकार है, हमें टेबल याद करनी है, और टेबल याद आप लोगों ने एक तरीके से तो बहुत बार लिख के देख ली, जैसे मैं लिखता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, फिर हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और फिर हम इसका रूट करते हैं। अब हमें ऐसा नहीं करना, हमें टेबल डायरेक्ट याद होने चाहिए, बच्चे क्या होने चाहिए, डायरेक्ट याद होने चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको साइन जीरो का मान पता होना चाहिए, साइन जीरो डिग्री जीरो होता है, जीरो से शुरुआत करोगे आप आगे से, बोलो हाँ या ना, जीरो से शुरुआत करोगे और ख़त्म किस पे करोगे, साइन नब्बे, साइन में ख़त्म करोगे वन पर, ठीक है क्या, साइन जीरो और साइन नब्बे, साइन जीरो जीरो और साइन नब्बे वन, याद रहेगी ये बात, अरे बोलो हाँ या ना, शुरुआत जीरो से। अब आते हैं अगली बात पर, अब देखो साइन तीस का मान, 30 का मान होता है 1/2, और को साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। अब ये चीज़ कई बच्चों को याद नहीं रहती, जो या तो जिनके पास 10th में या 11th 12th में मैथमेटिक्स नहीं था, या जिन्होंने पढ़ाई नहीं मैथ 10th क्लास में, वो समझ लो। देखो साइन 0 0, साइन नंबर 1, तो साइन 30 कितना, अब मैं आपसे पूछूंगा साइन की 30 कितना रे भाई बताओ, तो साइन 30 1/2 और साइन 60 है और √3/2,
याद करने का तरीका ये है, देखो ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, एक तो 1/2 और 1√3/2, ये तो याद रहती है ना, बस इनको आप है ना क्या कर देते हो, मिक्स कर देते हो कि कौन सा किसके साथ लगाएं। तो बच्चों ये जो वैल्यू है ये छोटी होती है और ये आपकी बड़ी होती है, क्यों, क्योंकि इसका तो मान होता है 0.5 और इसका होता है 1.732, इस प्रकार चलती जाती है वैल्यू। तो बड़ी कौन सी है ये, तो बड़ी वैल्यू बड़े एंगल के साथ चिपका दो और छोटी छोटे के साथ, याद हो गया। sin 30 कितना 1/2 और sin 60 कितना √3/2। आप बस देखते रहो, समझो, साथ साथ नोट करो, बिल्कुल समझ में आएंगी बातें। sin 30 से 1/2 और sin 60 √3/2, बोलो बात बनी कि नहीं बनी। अब एक एंगल रह गया आपका, कौन सा एंगल रह गया, अरे बोलो कौन सा एंगल रह गया, अब एंगल रह गया sin 45 डिग्री, और sin 45 1/√2 होता है, और यही मान किसका होता है, यही मान बच्चों कोस का होता है, कोस 45 का सेम मान होता है √1/√2। फिर से सुन लो, sin 45 cos 45 1/√2 sin 30 1/2। जो बच्चे आर्मी एयरफोर्स का एग्जाम देंगे ना उनके लिए एक नंबर यहाँ से पक्का है, डायरेक्ट पूछेगा sin 30 का मान बताओ 1/2, sin 60 का मान बताओ √3/2, sin 45 1/√2, sin 0 0 और sin 90 1 होगा। अब मैं बात करूँ कोस की, तो साइन और कोस को हम यूं लेके आएंगे, जैसे कोस 0 जितना था ना उतना साइन 90 रहेगा, तो कोस 0 1 हो जाएगा और कोस आपका, कोस 90 डिग्री आपका 0 रहेगा। कहानी मेनली साइन के ऊपर टिकी हुई है, बस आप साइन को याद रख लो, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और साइन आपका 90 डिग्री 1 होता है। उल्टा टेक रख देंगे इसको। अब देखो साइन मैं पूछूं 30 डिग्री, तो आपने क्या बताया था 1/2, और sin 60 आपने क्या बताया था √3/2। कोस में ये दोनों वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी, तो कोस 30 डिग्री पूछे ना तो √3/2 होता है, और कोस 60 डिग्री आपसे पूछे तो 1/2 होता है। उम्मीद है इस हिंट से आप याद रख सकोगे हमेशा के लिए। अब ये मेन है, ये कोसाइन जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ना, साइन कोस और टेन, ये ही मेन है, ये दो आपके हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं टेन की। अब टेन के लिए देखो, टेन कितना सिंपल सा है, 10 45 और कोट 45 दोनों का मान सेम होता है, और कितना होता है 1, क्यों, क्योंकि साइन बटा कोस आ जाएगा और दोनों का मान सेम होता है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 10 30 की, समझ लो मेरे भाई, 10 30 ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है, 1/√3 और 10 60 होता है √3। अब देखो बड़ी वैल्यू ये है कि ये है, तो आप कहोगे सर बड़ी तो ये है और छोटी ये है, तो छोटे के साथ छोटी चिपका दो, बड़े के साथ बड़े चिपका दो, ऐसा किस किस में करना है आपने, एक तो 10 में और एक आपने साइन में करना है, ठीक है, तो हमने तो ऐसा कर दिया। अब आप क्या करोगे, देखो साइन 10 30 बोलो कितना है 1/√3 और 10 60 कितना है √3। भाई कई बच्चे सोच रहे हैं कि ये चीज़ें हमें आती हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 या 3% बच्चों को आती हैं, किसी को नहीं आती बातें, ठीक है, कोशिश करो बच्चों बिल्कुल समझ में आएगी, कोई आपको ये चीज़ सिखाएगा नहीं, टीचर का काम है बोर्ड पे पढ़ाना और चले जाना, बस उसका काम पूरा हो गया, ये चीज़ सीखनी आप लोगों को है, कोशिश करो, बस आपको अपने काम से मतलब रखना है, ठीक है, आपने ये चीज़ सीख ली है बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखी है तो इसको सीखो 2 बार 3 बार 4 बार, लिख के देखो बिल्कुल याद हो जाएगा। 10 30 10 60 हो गया और 10 45 हमने कर लिया था, इसका उल्टा चिपका दो कोट के साथ, कोट 30 पूछे ना तो बड़ी वैल्यू रख दो √3, और कोट यदि पूछे आपसे कौन सा 60 तो आप 1/√3 चिपका दो। एक बार इतनी बातें याद कर लो, ज़्यादा याद मत करो, वैल्यूज है ना आप इतनी याद करो आपके लिए इतनी ही बेनिफिशियल है, पहले आप इतनी याद करो, ठीक है। मैंने कौन कौन सी बताई हैं, साइन की, कोस की और टेन की, ये वैल्यूज आप अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से पहले समझो फिर रट लो इनको, ठीक है। आगे हम फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट बात हम ये पढ़ते हैं कि देखो बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत सारा मटेरियल दूंगा इस क्लास में, ठीक है बच्चे, कोशिश करना आप समझने की, कोशिश करते रहो, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार, जितनी बार चाहो आप क्लास को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आएगी, यहाँ तक की बात उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आई होगी, आसान आसान सी बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे दो बातें आपको समझनी है, क्या कि अगर आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये थीटा है ना
तो ये कितना रहेगा? तो आप कहोगे 90 माइनस थीटा रहेगा, बोलो है ना। तो मैं आपसे कहूँ साइन, ध्यान से समझना, साइन, और इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, ये वैल्यूज लेते हैं एक्स और ये वाई, ये आपका है लंब एक्स और ये आपका आधार, बस कोशिश करना इस बात को समझने की, और ये कर्ण को मैं के लिख देता हूँ। साइन थीटा कितना होगा मैं आपसे पूछूँ तो क्या आप बता सकते हो? ध्यान से समझना, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि जिस एंगल के सामने, एंगल के सामने जो भुजा, जो एंगल लोगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो अगर हमने थीटा लिया है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, ठीक है, और इसीलिए मैंने थीटा लिया है। यदि आप एंगल ये लोगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये होगी, ठीक। तो आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैं इस चीज़ को एक बार मिटा देता हूँ, बस आपको एक बार इतना याद रखना है। आ जाओ भाई, अब मैंने कहा साइन थीटा कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? लंब बटा, अरे बोलो लंब बटा कर्ण होगा। तो लंब कितना है इसके लिए? इसके लिए लंब है एक्स, और कर्ण कितना है इसके लिए? तो कर्ण के है, सही है क्या? चलो मैं यहाँ एक चीज़ और लिख देता हूँ, आप बताइए कि कोस, ध्यान से देखना, कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, क्या आप बता सकते हो? अब मैंने एंगल ले लिया 90 माइनस थीटा, अब ये एंगल लिया है, कोस का मान बताइए आप, कोस रेशियो में क्या होता है? तो आप कहोगे आधार बटा कर्ण, आधार क्या रहेगा इसके लिए? आधार, ये लंब है तो ये आधार रहेगा, तो एक्स अपॉन के, सही बात है क्या? अब आप ध्यान से देखो, क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है? हाँ ये तो बिल्कुल सेम आ गई, तो आप ये कह सकते हो साइन थीटा बराबर होगा कोस 90 माइनस थीटा, बोलो हाँ या ना। तो मैं इसी तरीके से ये भी कह सकता हूँ कि कोस थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे साइन 90 माइनस थीटा। ये बात तो मैंने समझा दी है, अब जो बात क्या क्या हो सकती है वो मैं लिख देता हूँ, ये लिख लो भाई आप लोग, लिख लो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, लिख लिया। और क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। और क्या लिख सकते हैं? टेन 90 माइनस थीटा बराबर किसके होगा? तो आप कहोगे कोट थीटा के। तो फिर कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे टेन थीटा के। इसी तरीके से समझना ध्यान से, सिकेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे कोसिकेंट थीटा के, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सिकेंट थीटा के। ये छह बातें आप याद रख सकते हो, ये तो बातें सिर्फ 90 माइनस थीटा के लिए हैं, ठीक है। हमने अभी 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये चीज़ें भी पढ़ी नहीं है, हमने सिर्फ क्या पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा जहाँ भी दिखे, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या लिख दोगे? अरे बोलो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, 90 माइनस थीटा तो चेंज करना है, क्या करना है? चेंज करना है। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी ही नहीं है, हम इसी के ऊपर आए हैं, ठीक है। आइडेंटिटी लिख देता हूँ, ये आप लोगों को याद भी होंगी, नहीं याद है तो याद कर लो। साइन स्क्वेयर थीटा क्यों लिखवाई है मैं ये बात बताऊंगा, प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन होता है, ठीक है। उसके बाद सिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा, ये भी वन होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है वन, ठीक है, ये मिलकर वन बनते हैं। कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन होता है, ये लो भाई। अब ये मैंने इसलिए लिखवाई है कि आइडेंटिटी में साइन और कोस का साथ होता है, ठीक है, सिकेंट और टेन का साथ होता है, कोसिकेंट और कोट का साथ होता है। एक चीज तो आप ये याद रखोगे, बोलो याद रखोगे ना, साइन और कोस, सिकेंट और टेन, और ये प्लस है, बाकी दोनों ये माइनस हैं, याद रखो इनको, रट लो, रटना पड़ेगा, इनके बारे में अच्छे से आगे हम जरूर डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। ये बात अभी मैंने आपको बता दी है, एक ये होता है साइन किस में जाएगा? कोस में। कोस किस में जाएगा? साइन में। टेन कोट में, और कोट टेन में। और एक होता है रिवर्स उल्टा, क्या? साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, कोस का उल्टा सिकेंट होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। यहाँ बच्चा बहुत बार कन्फ्यूज होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए साइन 1 डिग्री अपॉन कोस 89 डिग्री का मान क्या रहेगा? बच्चों क्या आप बता सकते हो? इस टाइप का क्वेश्चन था ये, मैंने सिर्फ एक संख्या ऊपर दी है, एक नीचे दी है, क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में आया था, ये जो अभी हुआ है इससे पहले वाले में, ठीक है, उसके अंदर इसी टाइप का क्वेश्चन आया था।
तो आप समझो ध्यान से देखो क्वेश्चन, क्या साइन 1 डिग्री कोस 89 डिग्री, तो आप चाहे तो यूं कह सकते हो कि साइन ऊपर और कोस नीचे, और एंगल का सम जो है ना यदि 90 डिग्री है तो ये 1 बन जाएगा। या फिर दूसरा तरीका समझना बहुत ध्यान से, आप यूं कह सकते हो साइन 1 डिग्री अपॉन कोस को बदल लो चाहे साइन को किसी को भी बदल लो, तो मैं ये कह सकता हूँ ना 90 माइनस 1 डिग्री, तो क्या ये 89 डिग्री नहीं बनेगा, बोलो हाँ या ना। देखो 89 को मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस थीटा, अब आप क्या लिख सकते हो साइन 1 डिग्री और अपॉन कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो मैंने लिख दिया साइन और थीटा मतलब 1 डिग्री, और ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। पहला तरीका तो ये है, हम डायरेक्ट भी इसको यूँ लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं साइन 1 डिग्री और गुणा कोस का उल्टा होता है सिकेंट 89 डिग्री। अब आगे से आपको इस प्रकार याद रखना है, ध्यान से सुन लो भाई, बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है, ध्यान से सुन लो। ध्यान से ये सुनना है कि मल्टीप्लाई यहाँ हो, ठीक है, यहाँ क्या हो मल्टीप्लाई, साइन और सिकेंट का साथ हो और सम एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। जो बच्चा कोशिश करेगा वो समझेगा इस बात को, कोशिश करेगा ना वही समझेगा। चलो उस बात को हम फिर समझेंगे, पहले एक क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। मैं आपसे कहूँ टेन 5 डिग्री, क्या लिख दिया मैंने टेन 5 डिग्री, और नीचे मैं लिखूँ टेन, नीचे मैं लिखूँ कोट 85 डिग्री, तो इसका मान क्या रहेगा आप बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो क्या, कि टेन 5 डिग्री है ना, और नीचे हम कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 5 डिग्री, चलो मैं लिख ही देता हूँ कोट 90 माइनस 5 डिग्री, अरे बोलो 85 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये तो ऊपर तो सेम का सेम आ जाएगा, और नीचे देखो कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं हम साइन 5 डिग्री, अरे कहाँ साइन 10, क्या लिख दें कोट किस में बदलेगा 10 में, तो ये आ जाएगा 10 5 डिग्री, इससे ये कैंसिल आउट हो गया 1। और करते हैं एक बात, मैं आपसे कहूँ सिकेंट 15 डिग्री अपॉन कोसिकेंट 75 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सिकेंट 15 डिग्री कोसिकेंट को बदलें तो कोसिकेंट 90 माइनस 15 डिग्री, बोलो ये बात लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब आगे देखो सिकेंट 15 अपॉन ये बदला जाएगा, देखो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सिकेंट थीटा होता है, तो सिकेंट 15 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बात ये है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई है, मैं चाहूँ तो ये भी तो लिख सकता था क्या कि कोसिकेंट को ऊपर लेके जाता, तो मैं लिखता सिकेंट, कोसिकेंट ऊपर जाएगा तो बदलेगा किस में साइन में, तो ये लिख देता यहाँ तो था 15 डिग्री और गुणा में साइन कितना लिख देता, तो साइन लिख देता 75 डिग्री। अब देखो इसका आंसर तो कटपिट के कितना है 1 ही आया है ना, आपको अब 3 बातें और याद रखनी है बच्चों, कन्फ्यूज मत होना, 4-5 बार कोशिश करो समझने की, 4-5 बार लिख के देख लो, इतनी बड़ी क्लास ही नहीं है, क्या क्या लिख के देखना आपने। देखो मैं लिखवा देता हूँ आपको, यदि आपको मिले साइन और क्या मिले थीटा, ठीक है, और गुणा में उसके साथ मिले सिकेंट 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर 1 के होगा। ध्यान से सुनो, सम ऑफ एंगल्स कितना होना चाहिए 90 डिग्री, चेक कर लो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना बनेगा 90 ही तो बनेगा, तो जहां आपको साइन दिखे सिकेंट दिखे और सम ऑफ एंगल्स कितना दिखे 90 डिग्री, तो उसको 1 पुट कर दो, क्वेश्चन यूं भी आ सकता है। देखो बच्चों ध्यान से समझना कि आपको ये दे देगा, ये लाइन दे देगा, और यहाँ हो सकता है x लिख दे और यहाँ हो सकता है 2x लिख दे 3x लिख दे, कहेगा कि बताइए x का मान क्या होगा, या यूं कह सकता है कि बताइए tan 3x क्या होगा, कहने का मतलब है आपको x का मान निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हो कि एंगल, इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को क्या करना है हमें ऐड करना है, और यदि दोनों को ऐड कर लिया ना, तो दोनों को ऐड करके हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। फिर यहाँ से आपका एक्स का मान आ जाएगा और वहाँ पुट कर देंगे। पहली कहानी तो ये थी क्या कि साथ किस किस का होना चाहिए,
साइन का और सिकेंट का, और सम ऑफ एंगल्स कितना होना चाहिए 90 डिग्री। दूसरा साथ कोस का, कोस का और किसका भाई बोलो, कोसी कैंट का 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1 का, कब, जब सम ऑफ एंगल्स कितना होगा आपका, सम ऑफ एंगल्स 90 डिग्री। अगली बात जो आपने बहुत बार पढ़ी है, ये तो हमेशा ही पढ़ते हो, टेन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा, इसको देख के आप समझोगे। देखो ऐसा तो आपने बहुत बार देखा, कैसे आप यूँ नहीं देखते क्या, देखो टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, और यूँ चलते चलते हम जाते हैं टेन 89 डिग्री तक। तो इसका मान पूछता है, और ये CGL में भी आया है, ये सब इंस्पेक्टर में भी आया था, यही क्वेश्चन आपका SSC में तो हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। आप देखो टेन ये है और टेन ये है, और सम ऑफ एंगल्स कितना है, 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया, बोलो हाँ, सम ऑफ एंगल्स 90 डिग्री हो गया, तो आप क्या कह सकते हो इनका मान क्या बनेगा, 1 बनेगा। इसी प्रकार इससे पहले कौन आएगा, तो इससे पहले आएगा टेन 88 डिग्री, इससे पहले आएगा 87 डिग्री, उससे 86। आप ये देखो 2 के साथ 88 मिलेगा, 3 के साथ आपका 87 मिलेगा, 4 के साथ 86 मिलेगा, वो भी क्या हो जाएंगे 1 1। लेकिन आप ये बताइए क्या सभी के जोड़े बनेंगे, जोड़े नहीं बनेंगे, क्यों, क्योंकि 1 से 89 तक आपके पास 89 नंबर हैं, बीच वाली संख्या रह जाएगी, बीच वाली संख्या कौन रहेगी, बाकी सभी तो 1 × 1 × 1 × 1 बनते जाएंगे, लेकिन बीच में रह गया 10 45, और 10 45 का मान आप लोगों को पता है कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो समझ में आई है, देखो कितना आसान। तो ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। अरे बोलो समझ में आई है क्या बात है। अब देखो एक क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन आता है 10x·tan·2x = 1 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 2x। तो बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टेन टेन है, टेन टेन होना चाहिए बच्चों, घूम फिर के टेन टेन है, याद करो। साइन बदलता किस में है, साइन बदलता तो आपका किस में बदलता है, साइन कोस में बदलेगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है, लेकिन जब नीचे से हम ऊपर लेके आएंगे तो साइन के बराबर में कौन आ जाता है, सिकेंट आ जाता है। इसी तरीके से टेन के नीचे यदि कोट था तो कोट को हम ऊपर ले आए, इसलिए यहाँ पे टेन बन गया, ठीक है। अब उसने कहा कि ये 1 के बराबर कब हो सकता है, जब सम ऑफ एंगल्स कितना हो, तो आप कहोगे 90 डिग्री, तो एक्स प्लस 2x कितना बनना चाहिए, तो 90 डिग्री, तो 3x का मान कितना आ गया, 90 डिग्री, तो x का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, x का मान 30 आ गया। आप चेक भी कर सकते हो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि tan 30 आपका कितना होता है, 1/√3, ठीक है, और tan 60 कितना होता है, √3 √3 से √3, आंसर 1 आया ना, इसका मतलब हमारा यहाँ तक तो सही है। अब साइन 2x का मतलब कितना, 30 × 60, और साइन 60 आपका कितना होता है, और ये होता है √3/2। अरे बोलो बात बनेगी क्या, हाँ बिल्कुल बनेगी। अब मैं एक क्वेश्चन दूँ क्या या नहीं, और दे देता हूँ एक क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, ठीक है, जल्दी से करके बताइए आप। क्वेश्चन इस प्रकार है, साइन स्क्वेयर 1 डिग्री, साइन स्क्वेयर 2 डिग्री, प्लस साइन स्क्वेयर 3 डिग्री, प्लस साइन स्क्वेयर 4, और इस प्रकार जाते जाते ये गया भाई साहब साइन स्क्वेयर 89 डिग्री तक। क्वेश्चन बहुत बार आया है, देखो पीछे वाले टेन में क्या था, मल्टीप्लाई था, यहाँ क्या है, प्लस है। आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, आप सोच लो एक बार, आपके पास केवल 10 सेकंड है, सोचना है, आपने सोल्व नहीं करना है बच्चों, इसको सिर्फ आपने सोचना है, सोचो और बताओ। सोचोगे ना आप, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी होती है, बोलो यस और नो, ठीक है। अब आप ये देखो कि क्या मैं इस कोस स्क्वेयर थीटा को चेंज कर सकता हूँ, तो आप कहोगे हाँ कर सकते हैं, लेकिन ये यूं बनेगा साइन स्क्वेयर 90 माइनस थीटा, मतलब कि यदि ये थीटा है ना, क्या है ये थीटा, तो यहाँ 90 माइनस थीटा होना चाहिए, यदि ये 1 डिग्री है तो 90 माइनस 1 कितना, 89 डिग्री होना चाहिए, तो इसका मान 1 हो जाएगा। बोलो बनेगी ना बात, हम यूँ भी कह सकते हैं, यदि मैं साइन स्क्वेयर 90 डिग्री को चेंज करूँ तो ये कोस स्क्वेयर
वन डिग्री बन जाएगा, बोलो हाँ है ना। फिर इससे पहले वाली संख्या जो आएगी ना वो कोस स्क्वेयर 2 डिग्री बन जाएगी, बोलो समझ में आई है बात। अब देखो साइंस स्क्वेयर 1 डिग्री और लास्ट में कोस स्क्वेयर 1 डिग्री कितना हो गया 1, साइंस स्क्वेयर 2 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 2 डिग्री कितना हो गया 1। अब आप ये बताइए यूं इस प्रकार कितने जोड़े बनेंगे, तो आप कहोगे सर नम आप अपने पास से